डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक दफा फिर आपके लिए माशा से बहुत ही अच्छी और प्यारी खबर के साथ मेरे प्यारे दोस्त अवैस भाई मेरे साथ हैं, जो कंटिन्यू तकरीबन लास्ट 2-3 ईयर से यहां पे दुबई के अंदर हैं और कंटिन्यू बेसिकली इनका काम तो है ये बिजनेस सेटअप वगैरह का काम कर रहे हैं और साथ फैमिली वीजे का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पास मैं आया हूं तो आज जस्ट इन्होंने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, जो ये अभी ऑफर निकाली है दुबई जीडीएफ की तरफ से 25, 26 और 27 के मतलब। तो इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी ऑफर है और आया ये ऑफर किन लोगों के लिए है और कौन से लोग आ सकते हैं, क्या है उनका कोई पेमेंट का भी है या नहीं है, क्या न्यूज है, क्या इनके तो नोटिफिकेशन इनको मिले हैं जो मुख्तलिफ जगह से इनको मिले हैं उसमें क्या बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको बता दें जरा कि आज की तो अभी थोड़ी देर पहले की एक न्यूज़ भी आई है खरीद टाइम में, उसके अलावा भी आपने बताया था लास्ट वीक में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई थी जी। तो ये बताइए बेसिकली क्या न्यूज़ है, क्या है इसमें लोगों के फैन माफ होंगे या इसके अंदर क्या है, ये क्या न्यूज़ है बेसिकली? ये जहीर भाई बेसिक जो है वो न्यूज़ जो है वो ये है कि 25 से लेकर 27 फरवरी तक जो है ना ये डेरा सिटी सेंटर के अंदर ये दुबई वालों की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि जिनके ऊपर फाइन है, जो बेसिक जो है ओवर स्टे हो चुके हैं बंदे, जो 10 साल से भी ओवर स्टे हो चुके हैं या मतलब है कि भी जिनके वीज़े जिनके पास रेजिडेंसी वीज़े थे उनके वीज़े जो है उनके एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने वीज़ा नहीं लगवाया और दूसरे जो है जो विजिट वीज़े पे थे बंदे वो ओवर स्टे हो चुके हैं, ये उनके मतलब जो है ना ये इन्होंने दुबई वालों ने ये न्यूज़ दी है कि वो 25 से लेकर 27 तक जो है ना वो डेरा सिटी सेंटर वहाँ पे आए और उनका जो है ना हल तलाश किया जाएगा कि उनको कैसे क्लियर करें और उनको कैसे जो है यहाँ पे लीगल किया जाए। यानी कि अभी तक इस न्यूज़ के अंदर ये कंफर्म नहीं है, इनकी बात करने का मकसद ये है कि न्यूज़ के अंदर ये कंफर्म नहीं है कि आया, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये फ्री में काम होगा, पैसे लगेंगे। ये भी एक वीडियो के एंड पे मैं ये चीज़ बोलता जाऊँगा आपको कि मैं दुबई गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ क्योंकि कम से कम उन्होंने सोचा है, जो गरीब लोग हैं या लेबर तबका है उसके लिए उन्होंने इतना कुछ सोचा है। और एक बार फिर मैं दुबई गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक फैसला लिया है जो लोग ओवरस्टे हो चुके हैं उनके लिए, और मैं दुबई गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ। और इसके सारी अपनी तो ये हमारी वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।